जन्नत जूस स्टफ, निया निकाह पैलेस, अस्करी मार्केट, चौराहा जी डीबी नगर, करेली, प्रयागराज। 100% इंडियन फ्रूट, 0% कॉन्सेंट्रेट। ये सारी दहशत इसलिए है कि लोग चुनाव के मैदान से हट जाएं। लूट लिया मेरी यूनिवर्सिटी को, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल को लूटा है। 3,500 बच्चों का कल यूनिवर्सिटी खुलना थी, कहां जाएंगे वो? बंद कर दिया मैंने मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, नहीं चलाना मुझे। पूरे देश के इंसाफ पसंद लोगों को पहुंचना चाहिए और बुद्धिजीवियों को मेरा साथ देना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जमीन के कागज कहां हैं, मैं देखना चाहता हूं। मैं आरटीआई डालूंगा। मैं जानना चाहूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जमीनों के कागज कहां हैं, कहां है रजिस्ट्रियां उनकी? कहिए कि ये भी भूमाफिया थे? मंदिर की सीढ़ियों पर प्याला लेकर भीख मांगने वाले मदन मोहन मालविया भी भूमाफिया थे? मरणो उपरांत दीजिए ये अपराधी उन्हें उपाधि। कहां से आई सर सैयद के पास ये जमीन, कहां है उसके कागजात? मैं जानना चाहता हूं मरणोपरांत भूमाफिया का सर्टिफिकेट उनको भी दिया जाए। मैं भूमाफिया हूं, शर्म नहीं आती? मेरे ऊपर एसआईटी बिठा लेंगे, ईडी मेरी जांच करेगी, क्या करोगे? मार दोगे? कहां जिंदा है? चुनाव तो लोकसभा का भी हुआ है, चुनाव तो अब हुआ है ना, तो अभी तो टारगेट करेंगे। और अब चुनाव होना है विधानसभा, तो टारगेट करेंगे। बहुत नाक कट गई ना डीएमएसपी की, गिनती हो रही थी और डीएम घूम घूम कर कह रहे थे बीजेपी काउंटिंग एजेंट से कि घबराओ नहीं, अभी अपने इलाके खुलने वाले हैं। जब देखा कि मेरी लीड तो कहीं कम नहीं हो रही है, तब जो भगवा शर्ट पहनकर आए थे वो चेंज करके फिर आसमानी शर्ट पहनकर आए। ऐसे लोग होंगे कलेक्टर, ऐसे लोग होंगे एसपी जो लूट लेंगे पूरी। देखिए ना जरा बाइट्स किस तरह डाका मारा है, किस तरह महिलाओं को धक्के दिए हैं, किस तरह प्रोफेसर्स, महिला प्रोफेसर्स को गालियां दी हैं, कितना धक्का दिया है। एक कुंवारी लड़की को गाड़ी में बिठाल कर ले गए, रात के 2 बजे तक उसे बंद रखा, शर्म नहीं आती इन्हें? ये बेटी बचाएंगे, ये बेटी बचाएंगे, उन्नाव की बेटी को मारने वाले ये बेटी बचाएंगे, बलात्कारियों को बचाने वाले बेटी बचाएंगे, ये हमें बताएंगे? हम जो बेटियों को पढ़ाते हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे, हमारे स्कूल गिराएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी का दरवाजा गिराएंगे, हमारा यतीम खाना गिराएंगे, बस इसलिए कि हम कमजोर हैं? उससे क्या होता है? देख नहीं लिया आपने लोकसभा के सदस्य का क्या हाल हुआ है? 4.25 बीघा जमीन, हम भूमाफिया हैं? 1 रपट होना चाहिए थी कि 4.25 बीघा जमीन ट्रस्ट ने, मैंने नहीं, गलत हथियार ली है। 36 FIR एक जुर्म की। मान लिया मैंने किताब चोरी की है, अगर हिंदुस्तान में कानून है जो कि नहीं है, आज के दिन सिर्फ अदालतें हैं, 379 का मुकदमा होता, मैं वकील भी हूं पेशे से, चोरी का मुकदमा 379, माल बरामद होने पर 411, मुझे आप मुजरिम बना देते कि चांसलर की किताबें चुरा कर लाया था। 379 किताबों की बरामदगी, 411, मैं हाजिर हो जाता, जमानत होती नहीं थी, जेल चला जाता, दरवाजे तोड़ दिए, दहशत मचा दी। वाइस चांसलर भाग गए गाड़ी लेकर लखनऊ, शरीफ आदमी है, रजिस्ट्रार भाग गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भाग गए, सारा स्टाफ को निकाल दिया यूनिवर्सिटी से बेंत पर जाकर, सारी सिक्योरिटी को गिरफ्तार करके ले गए, सारा लूट लिया मेरे अस्पताल का सामान, मेरे चांसलर ऑफिस के दरवाजे तोड़ कर ले गए, सारा सामान लूट के ले गए, मेरी एंटीक बुक्स ले गए, मेरे 300 साल के कलाम पाक ले गए, मेरी 250 साल पुरानी महाभारत ले गए, रामायण ले गए,
तो आपकी अदावत से डीएम से कि उसके पीछे भी मेरी किसी से अदावत नहीं है, किसी से अदावत आपने नहीं। कहा था कि उनका मिशन है, मायावती आएंगे तो उनका मिशन है, उनका मिशन है। लेकिन यह हुआ है हमारे साथ, कौन कौन बनाएगा फिर इंस्टीट्यूशंस? इन्हें मंदिर क्यों कहते हो फिर? योगी जी इसी तरह लूटते हो मंदिरों को, यही है आपके यहां मंदिरों की सच्चाई, यही है मंदिरों से आस्था। दो दिन से बराबर पुलिस की लूट चल रही है, ट्रकों में सामान भर के ले गए, ट्रकों में। मैं कबाड़ का सामान कलकत्ते से खरीद के लाता था, मेज कुर्सी सोफा, कौड़ियों के दामों से। मेरे पास बिल हैं उनके, रजिस्ट्रियां, ट्रकों के चालान है मेरे पास। उसे लूट कर ले गया। मैं मेरा कारपेंटर कारपेंटिंग का डिपार्टमेंट है, वो मरम्मत करते हैं, पॉलिश होता है, फिर हम उन्हें सजा कर रखते हैं। हमारा कबाड़ लूट कर ले गए। कह रहे हैं कि हम वो कुत्ते की शक्ल के दो शेर रियासत के जमाने के मिट्टी के बने हुए मलबे से उठाकर लाए थे हम, और वो मलबा हमने खरीदा था, रसीदें हैं हमारे पास उसकी, जिसे टीवी पर दिखाया जा रहा है। कहां मुंह दिखाओगे कलेक्टर साहब? उस पर नीलामी के दस्तखत हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के, जिलाधिकारी रामपुर के, कमिश्नर मुरादाबाद मंडल के। वो सब सामान हमारा खरीदा हुआ है। तो बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि जब आप सत्ताधारी दल में थे तब उस वक्त आपने सब ऐसा किया। विपक्ष में कौन मेरी यूनिवर्सिटी बनवा देता? चलिए मैं बिल पेश करवाता हूं विधानसभा में, चार यूनिवर्सिटियां उत्तर प्रदेश में और बनाना चाहता हूं। करेंगे हिम्मत योगी जी? लाए केंद्र सरकार में भी मैं सेंट्रल प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाता हूं। आज भी मेरे दामन में उतना ही दम है, मेरी दयानत में भर जाएगा मेरा दामन। गली में रहता हूं, बहुत छोटा सा मकान है। यही तो हमारा भी कहना है। चौकीदार चोर है का नारा दिया कांग्रेस ने, वो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। मैं किताब चोर हूं और मैंने एक विश्वविद्यालय बना लिया, बच्चों के स्कूल बना लिए, दुनिया मुझे इस नाम से याद रखेगी। न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो इंसाफ का फैसला है। मुझे अच्छी तरह याद है सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पर अपनी राय देते हुए एक साल पहले एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय दिया था। उस दिन मैंने सारे बुद्धिजीवियों से कहा था कि कम से कम तीन बार कहिए सुप्रीम कोर्ट की जय। गाड़ी के दो पहिए हैं, सरकार और न्याय। जब सरकार का पहिया टेढ़ा चलता है या टूटने लगता है, उस वक्त न्याय का पहिया उसको सहारा देता है। जब सरकारें अन्याय करती हैं तब न्याय अदालतों से मिलता है। मुझे हमेशा न्यायालय से इंसाफ मिला है, और इंशाल्लाह जब तक मैं सच्चे और सही रास्ते पर हूँ। मैंने क्या गुनाह कर दिया? बच्चे पढ़ाता हूँ, विश्वविद्यालय बनाया है, मैं भूमाफिया हूँ, पौने चार बीघा जमीन का चोर हूँ मैं, किताब चुराई है मैंने, लूट कर ले गए पूरी यूनिवर्सिटी, दो ट्रकों में ले गए सारी हिस्ट्री बुक्स ले गए, कुरान शरीफ ले गए, रामायण ले गए, 200 साल पुरानी महाभारत ले गए, मैनस्क्रिप्ट्स ले गए मेरे, बेश कीमत है ये, पुलिस वाले उन्हें ले जाकर बेचेंगे तो फिर उन्हें नौकरी करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। आदम साहब आज जो जाने का समाजवादी पार्टी ने आह्वान किया था, लेकिन वहां किसी को जाने नहीं दिया गया, और आपके बेटे को भी पुलिस ने हिरासत। कोई बात नहीं, बस कोई ऐसा काम ना करे पुलिस जो एक बाप को ज्यादा दुख देते। उसको 24 घंटे में दो बार हिरासत में लिया जा चुका है। वो बहादुर है, वो अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, मेरे साथ भी लड़ेगा और मेरे बाद भी लड़ेगा। आपको लगता है पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन गया है आपके और बीजेपी के बीच, आप समाजवादी पार्टी की जगह आप टारगेट पे आ रहे हैं लगातार? विश्वविद्यालय रामपुर में है और उसको मिटाने वाली दो सरकारें हैं,
एक कमजोर सा आदमी दो सरकारों से लड़ रहा है, क्या मिलेगा विश्वविद्यालय को बर्बाद करके? लूट लिया सब, कटर से ताले काट कर चांसलर ऑफिस में घुसे हैं, वहां जकात का पैसा रखा हुआ था, कई लाख रुपया जकात का, जो गरीब बच्चों को दिया जाता है, वो जकात का पैसा ले गए, मेरे कपड़े रखे थे वो ले गए, मेरी बंडियां टंगी थी वो ले गए, मेरे जूते ले गए, मेरे कलम ले गए, मेरी ज़बरदस्त पूरी अलमारी भरी हुई थी, हमारे यूनिवर्सिटी के इंतहाई जो अहम कागजात थे वो सब चांसलर ऑफिस में थे, हमारी बहुत अहम रजिस्ट्रियाँ थीं, हमारी रसीदें थीं, सब ले गए लूट कर, हमें तो बिल्कुल नंगे हाथ छोड़ दिया है। आपको लगता है कि जो आपके पॉलिटिकल एडवर्सरी हैं लोकसभा इलेक्शन में, आपको जयप्रदा जी उनका हाथ है इसमें? उनका तो कम है, उनके जो वो हैं जो उनके साथ रहते हैं या वो जिनके साथ रहती हैं, उनका नाम मैं लूँगा तो मेरे मुंह से बू आने लगेगी, मैं नहीं चाहता कि उस बदबू की वजह से आप मुझे छोड़कर हट जाएं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब